a voltage A e raised to minus AT is applied at t is equal to 0 to a circuit containing L and R. सर्किट है जिसमें क्या है L एंड R. तो L हम लोग को पता है, L मतलब होता है इंडक्टेंस, R मतलब होता है रेजिस्टर. शो दैट, अभी आपको आंसर लाके बताना है. शो दैट द करंट एट एनी टाइम T इज गिवन एज E अपॉन R माइनस L E रेस टू माइनस AT माइनस E रेस टू माइनस RT बाय L. ऐसा आपको आंसर लाके बताना है. करंट इज इक्वल टू, ऐसा आपको आंसर लाके बताना है. ठीक है, अभी स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले स्टेप वन देखो. फॉर आपको L और R दिख रहा है तो लिखना फॉर L R सर्किट बाय किरचॉप्स लॉ. क्या रहता है? टोटल वोल्टेज इन सर्किट इक्वल टू टोटल ईएमएफ. ओके, अभी जो L है, L का फॉर्मूला था L डी आई बाय डी टी लिख देना, प्लस R वाला क्या होता है R I इज इक्वल टू E. आप लोगों ने देखा था, लेकिन यहां पर E मतलब क्या है? E इंटू E रेस्ट माइनस AT, ऐसे दिया है. बराबर, अगर आप लोगों को लीनियर फॉर्म याद होगा तो di by dt के आगे 1 होना चाहिए, मतलब L नहीं रहना चाहिए. सो L निकालना है तो कैसे करोगे? डिवाइड बाय L, डिवाइड बाय L होगा. सो व्हाट यू कैन राइट? di by dt, क्योंकि L L तो कैंसिल हो गया. प्लस अभी L ri को भी डिवाइड करेगा तो क्या लिखोगे? R by L ऑफ i इज इक्वल टू RHS में भी करेगा E by L E raised to minus 80 आ जाएगा. आया है. अभी यहां से अगर आप देखते होगे तो क्या ये हमारा लीनियर फॉर्म जैसे हो रहा है? dy by dx plus py is equal to q dash मानते हैं. अभी क्या लीनियर फॉर्म जैसे दिख रहा है ऊपर वाला? बराबर है. अगर आप ऑब्जर्व कर रहे तो ऊपर i में चल रहा है तो लीनियर किसमें हो गया? लीनियर इन i. बराबर है. अभी अगर आप कंपैरिजन करोगे तो P का वैल्यू क्या मिल रहा है और Q डैश का वैल्यू क्या मिल रहा है? P इज इक्वल टू मिलता है R बाय L. बराबर है. और Q डैश का वैल्यू क्या मिल रहा है? E बाय L E रेस टू माइनस AT मिलता है ऐसे. सो ये जस्ट हमारे कंपैरिजन के लिए हमने लिखा है. अभी लीनियर फॉर्म मिल गया, मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है. इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू dt. dt क्यों लिखना? आपने लर्न किया था p dx, लेकिन कब dx आता है? जब dy बाय dx होता है तब. अगर आप यहां देख रहे हो तो क्या है? di बाय dt, तो क्या करना पड़ेगा? dt लेना पड़ेगा. ठीक है, अभी वैल्यू रखते देखो फिर. देयरफॉर इधर e रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ p का वैल्यू क्या है देखो? r बाय l. So, रखता हूं R by L और ये हो गया dt. Therefore, देखो अभी e raise to क्या R by L कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा. बचता क्या है? सिर्फ dt बचता है. आप लोगों ने ट्रिक बोला है इंटीग्रेशन निकालने का, e raise to R by L लिखा, इंटीग्रेशन ऑफ dt, इंटीग्रेशन गया d गया तो क्या बचेगा? t. So, this is nothing but integrating factor. आया, अभी ये हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर. जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलता है तो अभी हम लोग को क्या निकालना होगा? जनरल सॉल्यूशन इज. बराबर है. जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला अगर आपको याद है तो देखो, लीनियर किस में है? आई में है. आई में है तो स्टार्ट किससे होगा? आई. इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू डैश इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी टी आ जाएगा. प्लस अभी देखो हमारा लर्न है सी, लेकिन सी ने लेना. क्यों सी ने लेना? क्योंकि आपको याद है कैपेसिटेंस सी में रहता है, सी में रहता है तो डबल कंफ्यूजिंग करता है, इसलिए हम लोग कॉन्स्टेंट ऐड करते कि आपको और कोई दूसरा लेना लो, लेकिन जो हमारे अल्फाबेट यूज हो रहे उनमें मत लो. ठीक है, अभी आई लिखा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? ई रेस टू आर टी बाय एल है.
इज इक्वल टू, बोलो क्यू डैश क्या है, ई बाय एल ई रेस टू माइनस एटी आता है। व्हाट अबाउट इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ई रेस टू आर टी बाय एल डी टी प्लस के, हो रहा है क्या? अरे आ रहा है। अभी आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा होना चाहिए, याद देखो आप लोग, क्या आपको याद है, एक्स एस टू एम इंटू एक्स एस टू एन इज रिटर्न एज एक्स एस टू एम प्लस एन, होता है फॉर्मूला। तो अगर आप ऊपर देख रहे हो तो दोनों में बेस ई दिख रहा है हमको, देयरफॉर ई बाय एल कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के। सो इंटीग्रेशन ऑफ, देखो अभी ई लिखा भाई, बराबर है, अभी ऊपर वाले का एडिशन ई रेस टू माइनस एटी प्लस क्या होगा, आर टी बाय एल डी टी प्लस के होगा ऐसे। अभी आपको एक स्टेप अच्छे से समझना है, ई बाय एल इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू, क्या आपको यहां पर टी कॉमन दिख रहा है, टी कॉमन आ सकता है, सो माइनस ए प्लस आर बाय एल कॉमन क्या आएगा, टी इंटू डी टी प्लस के आ जाएगा, बराबर है। अभी इंटीग्रेशन आप लोग को याद है, देखो इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू ए एक्स डी एक्स अगर आया तो हम लोग इंटीग्रेशन क्या लिखते हैं, ई रेस टू ए एक्स और एक्स से आगे जो होता है उससे डिवाइड, सो डिवाइड बाय ए आता है, इंटीग्रेशन का बेसिक चीज है। तो अगर आप यहां पर ई रेस टू वाला इंटीग्रेशन देख रहे हो तो ई बाय एल लिखा है मैंने, ई रेस टू का इंटीग्रेशन ई रेस टू बोलो माइनस ए प्लस आर बाय एल और ये टी आ गया, बराबर है। तो जैसे हम लोग डिवाइड बाय ए करते वैसे डिवाइड टी के आगे कौन है, माइनस ए प्लस आर बाय एल, तो डिवाइड होगा, तो डिवाइड माइनस ए प्लस आर बाय एल एंड प्लस के आया है। अभी अगला स्टेप समझो, मैं लिखता हूं ई बाय एल, देखो ई रेस टू माइनस ए प्लस आर बाय एल ऑफ टी है, बराबर है। आप अभी ऑब्जर्वेशन करो, देखो जब हमारे पास ये वैल्यू था, ये वैल्यू, तो हमने इसको कैसे लिखा, ऐसे लिखा था बेस सेम एडिशन ऑफ पावर, अरे लिखा था। अभी मुझे फिर से ये जो टर्म है इसे फिर से मुझे ऐसा लिखना है, ऐसा लिखना है, तो क्या लिख सकता हूं मैं, बराबर है। ये स्टेप है, इसको हमने कैसे लिखा था, बेस सेम एडिशन ऑफ पावर इस तरह लिखा था, e रेस टू माइनस ए प्लस आर बाय एल टी कॉमन निकाल के। तो वही स्टेप को फिर से मैं रिवर्स लिख सकता हूं, तो लिखना है, सॉल्व करना है तो लिखना पड़ेगा। तो अभी देखो आप लोग, e रेस टू माइनस ए टी आ जाता है वो, प्लस इंटू e रेस टू बोलो आर टी बाय एल डिवाइड बाय, आप लोग इनका एलसीएम लो, एलसीएम एल इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस ए एल प्लस आर आ रहा है डिवाइडेड बाय एल, अरे आया प्लस के होता है, क्या ये एल जा सकता है, जा सकता है। सो ओवरऑल मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो आई इंटू ई रेस टू आर टी बाय एल इज इक्वल टू ई अपॉन, मैं लिख रहा हूं या आगे लिख रहा हूं, आर माइनस ए एल इंटू ए रेस टू माइनस ए टी ए रेस टू आर टी बाय एल प्लस के हो जाएगा, अरे क्या। अभी अगर आप देखते हो तो यहां पर आपको ई रेस टू आर टी बाय एल दिख रहा है, इधर भी आपको ई रेस टू आर टी बाय एल दिख रहा है, तो हमें वो निकालना है। अगर निकालना है तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय ई रेस टू माइनस आर टी बाय एल। तो अगर आप देखोगे एक प्लस वाला ये माइनस वाला जाएगा तो क्या बचना है, आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर माइनस ए एल बचता है। यहां पर देखोगे ई रेस टू आर टी बाय एल
और e रेस टू माइनस आर टी बाय कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कौन, e रेस टू माइनस ए टी प्लस, अभी ये k लिखा, देखो k लिखा, लेकिन k के साथ हम तो मल्टीप्लाई कर रहे e रेस टू माइनस आर टी बाय, तो e रेस टू माइनस आर टी बाय एल आता है। इक्वेशन नंबर वन दे दो। अब ये स्टेप नंबर टू की तरफ जाएंगे हम। देखो आपको याद होगा इनिशियल कंडीशन हमने लर्न किया था, इनिशियल कंडीशन एट t इज इक्वल टू जीरो, आई इज इक्वल टू जीरो होता है, बराबर है, तो हम लोग पुट करते ऊपर के एग्जांपल में, मतलब इक्वेशन नंबर वन में। सो आई का वैल्यू जीरो, e अपॉन r माइनस ए एल, टी की जगह पर जीरो, तो आपको फॉर्मूला याद है e रेस टू जीरो क्या होता है, वन होता है, तो क्या होगा वन प्लस के लिखा, अभी देखो t की जगह पर जीरो, सो e रेस टू जीरो अगेन वन, अरे आ रहा है, बराबर है। अभी यहां से मुझे k का वैल्यू लिखना है, तो ये e अपॉन r माइनस एल अगर LHS में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर है। तो फाइनली मैं k का वैल्यू ऐसे लिख सकता हूं क्या, देखो k इज इक्वल टू माइनस e अपॉन r माइनस एल, आ सकता है, आ सकता है k का वैल्यू e अपॉन r माइनस एल। नाउ देखो पुट इन इक्वेशन नंबर वन, क्या वैल्यू ऑफ k, तो k का वैल्यू रख रहा हूं, देखो अभी i इज इक्वल टू e अपॉन r माइनस एल, e रेस टू माइनस ए टी हो जाएगा, क्या ये वैल्यू रख सकते हम लोग k का वैल्यू, तो क्या आएगा माइनस e अपॉन r माइनस एल आ रहा है इंटू e रेस टू माइनस आर टी बाय एल हो जाएगा। अगर आप ऑब्जर्व कर रहे तो e अपॉन r माइनस एल, e अपॉन r माइनस एल कॉमन दिख रहा है, दिख रहा है क्या, सो i इज इक्वल टू देखो e अपॉन r माइनस एल, बोलो क्या होगा e रेस टू माइनस ए टी माइनस e रेस टू माइनस आर टी बाय एल, e रेस टू माइनस आर टी बाय एल। क्या आपको यही प्रूफ पूछा था, क्या आपको यही प्रूफ पूछा था, e अपॉन r माइनस एल e रेस टू माइनस ए टी माइनस e रेस टू माइनस आर टी बाय एल, एंड विच इज द आंसर, रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम एंड इंडक्टेंस ऑफ 0.5 H मतलब हेनरी आर कनेक्टेड इन अ सीरीज विद अ बैटरी ऑफ 20 वोल्ट मतलब दिया है E, फाइंड अ करंट, करंट मतलब I इन अ सर्किट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब I का आंसर किस में आना चाहिए, टाइम में, T में आना चाहिए, ठीक है। सो अभी स्टेप वन है, गिवन लिखता हूं, देखो गिवन है रेजिस्टेंस इज डिनोटेड बाय आर, वो कितना है 100 ओहम, इंडक्टेंस है इट इज डिनोटेड बाय एल, कितना है 0.5 हेनरी, और ई इज इक्वल टू कितना है 20 वोल्ट। अभी डायरेक्टली फॉर्मूले में वैल्यू डालना नहीं तो गलत हो जाएगा, तो अभी देखो फॉर एल आर सर्किट, एल आर सर्किट कैसे डिसाइड किया आपने, आर और एल है इसलिए एल आर सर्किट डिसाइड किया, बाय किरचॉफ्स लॉ क्या होता है, टोटल वोल्टेज इन सर्किट इक्वल टू टोटल ईएमएफ, तो आर के एल के लिए क्या लिखोगे, एल डी आई बाय डी टी, बराबर है, प्लस आर के लिए आर आई इज इक्वल टू ई था ई है ना, सो यहां पर ये कौन है सिर्फ ई लिख दिया, लेकिन एल चलता है क्या, नहीं, सो डिवाइड क्या करोगे, डिवाइड बाय एल हो जाएगा, सो डिवाइड बाय एल कर रहे तो क्या आना है, डी आई बाय डी टी प्लस आर बाय एल ऑफ आई इज इक्वल टू ई बाय एल हो जाएगा, हो जाएगा। अभी देखो एंटी, अभी डिवाइड बाय डी एक्स कर ले, अगर आपको जजमेंट आया तो मत करो, नहीं आया तो करो, डिवाइड बाय डी एक्स
प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू डैश होता है, तो कंपैरिजन करोगे तो पी का वैल्यू और क्यू डैश का वैल्यू, पी का वैल्यू आ रहा है आर बाय एल, क्यू डैश का वैल्यू आ रहा है ई बाय एल, ई बाय एल. नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी टी आएगा. देयर फोर ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी कितना है, आर बाय एल है, सो आर बाय एल और डी टी. देयर फोर ई रेस टू आर बाय एल बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी लिखना पड़ेगा. अभी समझना है, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी टी हो जाएगा. देयर फोर ई रेस टू आर बाय एल और ये आता है टी. This is nothing but integrating factor. Box में डालना integrating factor. Now general solution is, बोलो general solution linear किस में दिख रहा है आप लोगों को, I में दिख रहा है. तो I integrating factor is equal to integration of Q integrating factor dt plus K डालना पड़ेगा K. अभी आई लिखा, बोलो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेस टू आर टी बाय एल इंटीग्रेशन ऑफ, व्हाट अबाउट क्यू डैश है, बोलो क्यू डैश ई बाय एल. देयरफॉर ई बाय एल इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेस टू आर टी बाय एल डी टी प्लस की होता है कॉन्स्टेंट कौन है, ई बाय एल बाहर आ जाएगा. इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू आर टी बाय एल डी टी प्लस के हो जाता है. देयरफॉर ई बाय एल, बोलो ई रेस टू का इंटीग्रेशन ई रेस टू आर टी बाय एल होगा डिवाइड बाय, बोलो टी के आगे जो होता है उससे डिवाइड होता है, सो डिवाइड बाय आर बाय एल प्लस के. क्या ये एल और ये एल जा रहा है, सो रहता क्या है, देखो I into e raised to RT by L is equal to E by R. E raised to RT by L plus K आता है? आता है क्या? बोलो, इधर भी E raised to RT by L, RHS में भी है, so multiply किससे करोगे? Multiply by E raised to minus RT by L से. तो देखो I is equal to E by R into ये plus वाला minus वाला cancel हो गया, so directly क्या लिखू, plus K into E raised to minus RT by L आ रहा है. Equation number one, आपको याद है आपको निकालना क्या है, K निकालना है अभी, so initial condition जाना. Step number two, देखो at T is equal to zero I is equal to zero, put in equation one. तो equation one में डाल रहा हूं, तो I का value zero is equal to E by R plus K, T का value zero, तो E raised to zero one. Therefore K का value क्या आता है, minus E by R आ रहा है. अभी जो K का value आया रखेंगे क्या, put इन इक्वेशन वन में रखना पड़ेगा फिर से रिप्लेस. तो आई इज इक्वल टू ई बाय आर, के का वैल्यू माइनस ई बाय आर इंटू ई रेस टू क्या आता है, बोलो माइनस आर टी बाय एल आता है. अगर आप देख रहे हो तो कुछ कॉमन आ रहा है, बराबर है, देखो सो आई इज इक्वल टू ई बाय आर बाहर आ गया, अरे आया E by R दोनों में से कॉमन आ गया, तो बचता क्या है, वन माइनस E raise to minus RT by L बचता है, बराबर है. अभी मैं वैल्यू रख देता हूं, E का वैल्यू देखो गिवन में है 20 वोल्ट, सो लिखा 20. R कितना है 100 है, वन माइनस E raise to minus R कितना है 100 है, L कितना है 0.5 और ये हो गया t. Therefore एक जीरो गया एक जीरो गया, टू वन जा टू फाइव जा, सो I इज इक्वल टू कितना आ रहा है 1 बाय फाइव,
1 माइनस e रेस टू माइनस 100 डिवाइड बाय 0.5 करोगे, कैल्सियम में डालोगे तो आपको मिलेगा 200t। अभी देखो हमें पूछा क्या था, फाइंड ए करंट इन अ सर्किट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। मतलब देखो I इज इक्वल टू करंट इज इक्वल टू, आपको आंसर आना चाहिए t के फॉर्म में। तो क्या आपका आंसर t के फॉर्म में है, राइट हैंड साइड में t के फॉर्म में, इसलिए आप लोग बोलोगे I इन ए सर्किट एज ए या इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, सर्किट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, और ये हमारा आंसर हो जाता है। स्टेप वन, फॉर आरसी सर्किट बाय किरचॉफ्स लॉ। आरसी के लिए आर का फॉर्मूला आर डी क्यू बाय डी टी प्लस सी का क्यू बाय सी इज इक्वल टू ई दिया है। अभी हमने कल जितने भी एग्जाम्पल किए उसके हिसाब से देखो, डी क्यू बाय डी टी के आगे होना चाहिए 1, बराबर है। सो डिवाइड क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय आर। सो आर से करोगे तो डी क्यू बाय डी टी प्लस 1 अपॉन आर से लिख रहा हूं ब्रैकेट में क्यू इज इक्वल टू ई बाय आर होगा। अभी आपको समझना चाहिए लीनियर किस में है, ये क्यू में है, लीनियर इन क्यू है। वेयर टू अंडरस्टैंड डी वाई बाय डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू डैश करते हम लोग, बराबर है। सो पी का वैल्यू होगा 1 बाय आर सी, क्यू डैश का वैल्यू होगा ई बाय आर, ऐसे होगा। देयरफॉर बराबर है, सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी टी। सो ई रेस टू पी है हमारा 1 बाय आर सी, सो 1 बाय आर सी और ये डी टी। नाउ ई रेस टू 1 बाय आर सी कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी टी रहेगा रहता है। देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई रेस टू टी अपॉन आर सी, भी आप लोग लिख सकते हो, ये आता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। नाउ जी एस, जी एस इज स्टार्ट विथ, जिसमें लीनियर होता है उससे स्टार्ट करते, सो क्यू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू डैश, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा डी टी प्लस के एड करना होगा। नाउ के लिखा क्यू लिखा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेस टू टी बाय आर सी इज इक्वल टू क्यू डैश, ई बाय आर है ई बाय आर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेस टू टी बाय आर सी डी टी प्लस के हो जाएगा, बराबर है। अभी e बाय आर बाहर आ जाता है, बराबर है, e रेस टू का इंटीग्रेशन e रेस टू आएगा, बराबर है। सो e रेस टू देखो t बाय आर सी लिखा, लेकिन t के आगे कोई विषय को नहीं, 1 बाय आर सी है आगे है ना, ये t थोड़ा पीछे, सो क्या रहेगा 1 बाय आर सी, कल का याद है क्या, इंटीग्रेशन e रेस टू x dx e रेस टू x अपॉन a प्लस k हो जाएगा। अभी अगर आप देख रहे हो तो r r आ जाता है, बराबर है, 1 अपॉन c है ऊपर जाएगा घूमकर, तो क्या होना है देखो, कैसे लिख सकते हैं q e रेस टू t बाय आर सी इज इक्वल टू, देखो आप e c लिख सकता हूं है ना, उल्टा होके जाएगा e c हो जाएगा, इंटू e रेस टू t बाय आर सी प्लस के होता है, बराबर है। अभी मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय e रेस टू माइनस टी बाय आर सी, मल्टीप्लाई कर रहे तो क्या आएगा, q इज इक्वल टू ये प्लस और माइनस जाएगा इज इक्वल टू ec,
ये प्लस और माइनस जाएगा, प्लस बोलो के इंटू ई रेस टू माइनस टी बाय आर सी आ रहा है क्या, बराबर है, मल्टीप्लाई किया ना ई रेस टू माइनस टी बाय आर सी से, इक्वेशन नंबर वन। अभी स्टेप नंबर टू देखो, इनिशियल कंडीशन आपको याद है, एट टी इज इक्वल टू जीरो क्यू इज इक्वल टू जीरो क्योंकि क्यू आ रहा है यहां पर, पुट इन इक्वेशन वन, सो क्यू का वैल्यू होता है जीरो, इसी एज इट इज प्लस के है, टी का वैल्यू जीरो, ई रेस टू जीरो वन, सो ईसी अगर उधर गया तो के इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस एसी, के का वैल्यू आता है माइनस एसी, पुट इन इक्वेशन वन, अभी इक्वेशन वन में डाल रहे तो क्या आएगा, क्यू इज इक्वल टू एसी, के का वैल्यू माइनस एसी, ई रेस टू माइनस टी बाय आर सी होगा, बराबर है। अभी Q इज इक्वल टू, क्या इसी बाहर आ सकता है कॉमन, क्या इसी कॉमन आ सकता है, तो बचता कौन है, वन माइनस ई रेस टू माइनस टी बाय आर सी बच रहा है। आप प्रूफ को देखो, लेकिन आपको पूछा क्या है, शो दैट द वोल्टेज एट टाइम टी इज ई इंटू वन माइनस ई रेस टू माइनस टी बाय आर सी, बराबर है। अभी वोल्टेज पूछा है आपको, Q मतलब चार्ज रहता था, बराबर है। अभी ये सी अगर नीचे आएगा तो क्या होता है, क्यू बाय सी इज इक्वल टू ई इंटू वन माइनस ई रेस टू माइनस टी बाय आर सी। अभी आप यहां देखो क्यू बाय सी जो है, दिस इज नथिंग बट वोल्टेज, तो अभी ये जो क्यू बाय सी है ये मतलब वोल्टेज ही हो गया, सो वोल्टेज इज इक्वल टू ई इंटू वन माइनस e raised to minus t by rc, which is the answer. Given, already given hai, r dq by dt plus q by c is equal to v. Divide by R. So we will get dq by dt plus 1 upon RC multiplied by Q is equal to V by R. Linear hai kisme? Linear hai in Q. Dy by dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू डैश, सो पी इज वन बाय आर सी, क्यू डैश इज वी बाय आर। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी इंटू डी टी, देयर फोर ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी का वैल्यू वन बाय आर सी इंटू डी टी, तो क्या होगा, यहां पर e रेस टू वन बाय आर सी बाहर आ जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ dt t, सो दैट इज नथिंग बट इंटीग्रेटिंग फैक्टर। नाउ जनरल सॉल्यूशन इज, स्टार्ट विथ q, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q डैश, इंटीग्रेटिंग फैक्टर dt प्लस k, देयरफॉर q, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा है e रेस टू t बाय आर सी इज इक्वल टू q डैश है v बाय आर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेस टू t बाय आर सी dt प्लस k, तो v बाय आर कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू t बाय आर सी डिवाइड बाय t के आगे 1 बाय आर सी, सो 1 बाय आर सी प्लस के, r और r जाएगा, c ऊपर जाएगा, उल्टा उल्टा सुलटा, vc
e raised to t by rc plus k. अभी इधर था q e raised to t by rc था. सो मल्टीप्लाई किससे होगा? मल्टीप्लाई बाय e raised to minus t by rc. तो क्या होगा? q is equal to vc. e raised to plus वाला और ये माइनस वाला जाएगा. प्लस k into e raised to minus t by rc. इक्वेशन नंबर वन होता है. अभी क्या करोगे? स्टेप नंबर टू, इनिशियल कंडीशन लगाना होगा जो कि दिया है. नहीं दिया हो तो भी हम लगा सकते हैं. t इज इक्वल टू जीरो, q इज इक्वल टू जीरो. पुट इन इक्वेशन वन. सो इक्वेशन वन में रख रहे तो q का वैल्यू जीरो, vc प्लस k, t का वैल्यू जीरो, e रेस टू जीरो वन. vc उधर जाएगा तो k इज इक्वल टू माइनस vc. पुट इन इक्वेशन वन. सो q इज इक्वल टू vc माइनस vc e रेस टू माइनस t बाय rc. सो q इज इक्वल टू vc बाहर आ जाएगा वन माइनस e रेस. स्टेप वन गिवन. गिवन क्या है? एल डी आई बाय डी टी प्लस आर आर इज इक्वल टू टेन साइन टी. सो डिवाइड डिवाइड बाय एल होगा. सो एल से डिवाइड कर रहे तो डी आई बाय डी टी प्लस आर बाय एल ऑफ आर इज इक्वल टू टेन साइन टी डिवाइड बाय एल. अभी समझना चाहिए डी वाई बाय डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू डैश. सो पी का वैल्यू आर बाय एल, क्यू डैश का वैल्यू टेन साइन टी बाय एल. देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी टी e raised to integration of r by l into dt. Therefore, e raised to r by l bar integration of dt hoga. So, integrating factor kya hoga? E raised to r by l likha. Brother, integration of dt is t. So, abhi bar bar chal raha hai, toh samajh jana chahiye jaldi se. Ye hua integrating factor. Now, general solution. General solution is start with I. Integrating factor is equal to integration of q dash integrating factor dt plus k. Therefore I, what about integrating factor? E raised to rt by l is equal to, what about q dash? 10 sin t by l. Integrating factor e raised to rt by l dt plus k. Therefore 10 by L बाहर आ सकता है, कॉन्स्टेंट है. नाउ e रेस टू आर टी बाय एल इंटू साइन टी और डी टी प्लस के आता है. अभी देखो जरा, अगर सिर्फ e रेस टू वाला रहता इंटीग्रेशन तो आपको आ जाता, अगर सिर्फ साइन वाला रहता तो भी आपको इंटीग्रेशन आ जाता. लेकिन ये दोनों आ रहे तो आपको रिकॉल कराना है आपको रिकॉल कराना है e रेस टू ए टी साइन बी टी डी टी का फॉर्मूला क्या था? e रेस टू ए टी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर साइन बी टी माइनस फाइव, ऐसा लिखा करते थे. वेयर आप लोग वेयर फाइव बोला करते थे tan inverse b by a